मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर राजीव गुप्ता मानस क्लिनिक रेगोनर लुधियाना से बोल रहा हूँ। और आज हमारे बीच में हैं पंजाब के मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अंचल महाजन, और हमसे डिस्कस करेंगे कि मानसिक रोगों के आम कारण क्या होते हैं। अक्सर बताएंगे कि जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं इनके आम कारण क्या होते हैं। देखिए, मानसिक रोग के आम कारण अनेक होते हैं। सबसे पहले जो आजकल की लाइफ में है, स्ट्रेस। स्ट्रेस बच्चों में बढ़ता जा रहा है, बच्चों में पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस रहता है, बड़े होते हैं टीनेज ग्रुप में, उनमें आपस में पीयर प्रेशर का स्ट्रेस रहता है। उसके बाद आ जाइए जॉब्स में, जॉब्स चेंजिंग या न्यू जॉब्स लेना या जॉब्स में टारगेट मीट ना कर पाना, उसके कारण स्ट्रेस होता है। इसके अलावा कोई रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप क्राइसिस वो आजकल जो बढ़ता जा रहा है, या हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम से रहते हैं। इसके अलावा घर में कोई किसी की डेथ हो जाए, नियर बाई की डेथ हो जाए, या हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाए, यह एक किस्म का स्ट्रेस है जिसके कारण मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, कुछ लोगों में इंसोमनिया या कि स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हेडेक या माइग्रेन की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आजकल फाइनेंशियल रीजंस हैं, जैसे बिज़नेस का लॉस हो गया या बिज़नेस नहीं चल पा रहा, फाइनेंशियल लॉस हो गया, इसके कारण भी मानसिक बीमारी जी हो हाँ सकती बिल्कुल है। बिजनेस में किसी का बिजनेस अच्छा खासा चलता है, एकदम लॉस हो जाए या थोड़ा काम कम हो जाए, तो उसके कारण भी लोगों में तनाव देखा जाता है या घबराहट की संभावना रह जाती है। लोग कहते हैं कि सर हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हम इसके बारे में सोचते रहते हैं, जिसके कारण उनकी नींद खराब रहती है, उनमें उदासी के सिम्टम्स आ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि अगर पेरेंट्स में मानसिक बीमारी है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या ओसीडी है, तो जो उनके बच्चे होते हैं उनमें भी उसका रिस्क बढ़ जी हाँ, जाता है। जेनेटिक कॉज अहम एक रोल प्ले करता है कि मेंटल कॉज में, कि अगर संभावना अगर किसी फादर या मदर को है तो बच्चों में भी संभावना रहती है स्किज़ोफ्रेनिया की हो या डिप्रेशन की हो। तो जो हमने डिस्कस किया कि जो स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर, या फाइनेंशियल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, उसके बाद जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, पेरेंट्स को बीमारी होती है या एक पेरेंट को होती है तो जो उसके बच्चे हैं उनमें बीमारी का जो एक परसेंटेज बढ़ जाती है। तो इसके अलावा जो कई बार हम देखते हैं जैसे पंजाब के अंदर जो नशे का इस्तेमाल है, पेरेंट्स कहते हैं जी इसका बिहेवियर चेंज हो गया, मानसिक बीमारी शुरू हो गई, तो क्या नशे करना या शराब पीना भी मानसिक या बीमारी का कारण? शराब करना या नशे करना, चाहे नशा किसी फॉर्म में हो, हीरोइन हो या भांग हो, तो उससे भी मानसिक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। अब जैसे लोगों में हेलुसिनेशन, अल्कोहल के बाद हेलुसिनेशन हो जाती हैं, या उन पैरानॉइड, उनकी पर्सनैलिटी पैरानॉइड सी हो जाती है। हीरोइन में भी जैसे इसके अलावा कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, या हीरोइन छोड़ने के बाद अल्कोहल विड्रॉल में पेशेंट्स को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया के सिम्टम्स भी बताए जाते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी, शक करना, या कैनबिस जो लोग लेते हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिक साइकोटिक सिम्टम्स प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। बिल्कुल, तो आपने ठीक बताया कि जैसे बच्चों के पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि जब से बच्चा नशा कर रहा है या शराब का सेवन ले रहा है इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, एबनॉर्मेलिटीज आ गई हैं। दूसरा डॉक्टर साहब, जो आजकल मेडिकल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़, कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, इसका भी कोई लिंक होता जी है? हाँ, जितनी क्रॉनिक इलनेस, लंबी इलनेस होती है क्रॉनिक माने, तो उसमें भी देखा गया है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी के सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कोई कैंसर का मरीज है तो उसको हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे कि डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, घबराहट सी रहती है, इंसोम्निया के रहते हैं, उसको फ्यूचर के बारे में अप्रिहेंशन सी रहते हैं। या कोई हाइपरटेंसिव है या शुगर है, उनमें भी जैसे डायबिटीज में भी कोमोर्बिड डिप्रेशन देखा गया है। तो आपकी जो सारी बातें आपने बताई हैं, इसका मतलब है कि जो मानसिक बीमारी का एक कारण नहीं होता, मानसिक कारण के अनेक कारण मानसिक बीमारी होते के हैं, अनेक कारण होते हैं। अनेक कारण होते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो मरीज़ हमारे पास आता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो इसकी अच्छी हिस्ट्री ले और उसकी इन्वेस्टिगेशंस करे, देखे भाई इसमें कोई मेडिकल कॉज नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कोई लिवर बीमारी तो नहीं है, कोई पेट बीमारी तो नहीं है, और फैमिली में हिस्ट्री ले ताकि फैमिली में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, एडिक्शन की हिस्ट्री ले, ड्रग्स के टेस्ट कराए और फिर भी देखे भाई कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, उसके बाद ही जो उसका ट्रीटमेंट का प्लानिंग करे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे दर्शकों को मेंटल डिसऑर्डर्स के बड़ी सिंपल तरीके से कारणों के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू जी।